शिक्षा 3.0 में हम चल रहे हैं, उसके कोर्स 5 में। तो कोर्स 5 जो है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की समझ, इस पे हम चल रहे हैं कोर्स 5। और तो जैसा कुछ भी कोर्स आता है तो सबसे पहले हमको उसका नाम पता होना चाहिए, नाम का अर्थ पता होना चाहिए। तो नाम हमारा विद्या प्रवेश है और बाल वाटिका। विद्या प्रवेश थोड़ा नया लग रहा है तो यही परिचय से हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये NEP 2020 के तहत बनाया गया ये कार्यक्रम है और उसी को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स की रूपरेखा कैसी रखी गई है, इस कोर्स को करने में आप क्या क्या कर पाएंगे है? तो पहला तो आपको मिलेगा इन विद्या प्रवेश और बाल वाटिका का परिचय, फिर उसके बाद उसके विकासात्मक लक्ष्य मिलेंगे, फिर विकासात्मक लक्ष्य से संबंधित सीखने के अनुभव मिलेंगे, फिर विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए ये हम जानेंगे, फिर सीखने के जुड़े अनुभवों के सृजन हेतु महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर हम गौर कर लेंगे, फिर बच्चों की प्रगति पर नजर कैसे रखें, यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आप ये सब करने में सक्षम हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो शुरुआत में जो कर रही थी विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका का परिचय, तो इसी को हम ले लेंगे कि ये क्या है। तो ये एक अल्पकालीन 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी कोर्स है। अब ये कैसा शब्द है, इसमें बहुत सारे नए नए आ रहे हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि जब हमारा NEP लागू होगा तो साथियों आप सभी को पता है कि इस बार स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। स्ट्रक्चर मतलब कि 5 धन 3 धन 3 धन 4 पर आधारित स्कूल का ढांचा होगा और उसमें पहले जो 5 वर्ष हैं वो बच्चों की 3 वर्ष की उम्र से आरंभ है। तो ये जो 3 वर्ष की आयु कहना चाहिए, 3 वर्ष की आयु से जो आरंभ है उसमें PP1 है, प्री प्रेपरेटरी 1, प्री प्रेपरेटरी 2, फिर बाल वाटिका, फिर उसके बाद क्लास 1। और ये जो विद्या प्रवेश है ये कार्यक्रम जो है ये निपुण भारत द्वारा दिया गया है, या कहना चाहिए कि निपुण भारत कोर्स को विद्या प्रवेश का नाम दिया गया है। ये एक छोटा सा 3 महीने का कोर्स है। जब बच्चा PP1 कर लेगा, PP2 कर लेगा और जब क्लास 1 जाने वाला रहेगा तो उसके पहले उसे 3 महीने का खेल आधारित कोर्स करना है जिसका नाम विद्या प्रवेश दिया गया है। क्योंकि इस समय बालक हमारा जो बच्चे हैं वो किसमें प्रवेश करेंगे, विद्यालय में प्रवेश करेंगे, या कहना चाहिए कि वो औपचारिक शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैंने नाम लिया निपुण भारत, तो ये आपको पता है NIPUN, ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, पहल है, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, या कहना चाहिए कि बुनियादी भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इसका लक्ष्य वही है जो निपुण भारत का है, मतलब सभी बच्चों को समझ के साथ पढ़ना, यानी कि रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन में सक्षम बनाना, फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से समझ के साथ लिखना यानी कि इंडिपेंडेंटली राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी वो स्वतंत्र रूप से लिख सके इंडिपेंडेंट होके, फिर संख्या के ज्ञान के क्षेत्र में देखें तो वो संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क लगा पाता है, तर्क को समझ पाता है कि ये कौन सा माप में बड़ा है, छोटा है, आकार में लंबा है, मोटा है, गोल है ये। फिर समस्या का समाधान करने में आत्मनिर्भर बनाना, मतलब गणितीय सोच उसके अंदर आ जाए कि कुछ भी उसको दैनिक जीवन में काम मिल रहा है, चुनौती मिल रही है, तो उसको वो समस्या का, उस चुनौती का वो अपने तरीके से एक समाधान तैयार कर ले रहा है। तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब उसके बाद देखते हैं आप
विद्या प्रवेश और बाल वाटिका का प्रारूप कैसा होगा, कैसे किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, तो या कहना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे। इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि इसमें जो भारत सरकार है उन्होंने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को छूट दी है कि आप अपने यहाँ का कोर्स खुद डिजाइन कीजिए, कि आपके यहाँ जो कक्षा एक में प्रवेश लेने वाला है उसके लिए आप क्या कोर्स तैयार करेंगे, 3 महीने का विद्या प्रवेश कोर्स। तो इसलिए राज्य को छूट है, या कहना चाहिए उसको स्वतंत्रता है कि वो जो अपने राज्य की विविध सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, या विविधता है कहना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता है उसकी बोली में, भाषा में, रहन सहन में, भौगोलिक परिस्थितियों में। जैसे हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ मैदानी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ की बोली और भाषा काफ़ी अलग अलग है। तो इसलिए उन बच्चों को इसमें सहज प्रवेश कराने महसूस कराने के लिए क्या किया गया है, राज्य को छूट मिली हुई है। तो ये कक्षा एक में अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को के स्कूल के लिए तैयार करना है। फिर दूसरा, उनका स्मूथ ट्रांजिशन हो, मतलब वो अभी तक खेल खेल में पढ़ के आ रहे हैं, कौन कौन सी क्लास, PP1 और PP2, अब उनको क्लास 1 में जाना है, तो क्लास 1 में जाने के लिए उनका ट्रांजिशन सही हो जाए, सहज पारगमन हो उनका, मतलब इस पार से उस पार हो जा सके। तो इसके लिए भी हमको ध्यान रख के ये प्रोग्राम बनाना है, कोर्स बनाना है। फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा में मनोरंजक एक और प्रेरक वातावरण भी बनाना है, ताकि वो खेल खेल में, उनकी आयु अभी भी जो 5 या 6 वर्ष की होगी, तो उसके अनुकूल उनको शिक्षा प्रद अनुभव प्रदान किए जा सके, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर खेल आधारित माध्यमों से बच्चों में संज्ञानात्मक एवं भाषाई कौशलों का विकास करना है। तो ये जो ऐसी शर्तें हैं जो पढ़ना लिखना सीखने एवं संख्या ज्ञान के लिए बच्चों को तैयार करती है। तो ये मैं किसकी बात कर रही थी, विद्या प्रवेश कोर्स को डिजाइन करने की, उसका प्रारूप करने की, कि किस प्रकार से ये कोर्स हर राज्य को बनाने हैं। अब इसके बाद इसमें हम आगे जाते हैं इसके विकासात्मक लक्ष्य की ओर। तो इसके विकासात्मक लक्ष्य जो है वो मुख्य रूप से 3 है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुशहाली को बनाए रखना, ये पहला है। तो बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाली, इसके यदि मोटे तौर पे भाग करें तो हम 4 भाग मिल जाएंगे हमको, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक। अब उसके बाद शारीरिक, तो अपन जानते हैं कि उनका पोषण और उनके हेल्थ की बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, जिसमें पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट बताता है हमको, साइंस बताता है कि 5 वर्ष तक की आयु में ही मैक्सिमम विकास हो जाता है मस्तिष्क का, इसलिए उसे अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी चीज़ें। तो ये शारीरिक है। फिर उसके बाद सामाजिक में उसके अंदर ये आना चाहिए कि मुझे दूसरों की मदद करना है, या मैं दूसरों के लिए कुछ चीज़ें छोड़ सकूं, ये बातें उसके सामाजिक के परिवेश के अंदर आती है। फिर भावनात्मक भी इसी से जुड़ा हुआ है, कि भावनात्मक में बच्चे के अंदर ये विकसित होना चाहिए कि जो मेरे साथ है उसका सुविधा का मैं ध्यान रखूँ, उसकी बोली और भाषा का मैं थोड़ा सा ध्यान रख लूं। तो ये हो जाता है भावनात्मक। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य में स्वच्छता आदि को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, कि स्वच्छता बच्चे के अंदर आ जाए, मतलब उसकी छोटी छोटी जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, जैसे कि उसे खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद धोना है, रोज नहाना है, कचरा इधर उधर नहीं डालना है, ये उसके आदत में आ जाए। जो बड़े होकर हम सीखते हैं अभी कि हमको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना, अभी भी हम सड़कों को बिल्कुल भी अपना नहीं मानते हैं, सड़क को तो हम पूरे अधिकार के साथ सिर्फ और सिर्फ मानते हैं कि कचरा फेंकने के लिए है, चाहे चलती गाड़ी में हो या पैदल चल रहे हो, कुछ यदि ऐसा है जो हमारे काम का नहीं है तो हम उसको सड़क पे फेंक देते हैं बहुत आसानी से। तो ये
बच्चे की आदत में आ जाए कि उसे ऐसा नहीं करना है। फिर बच्चों को प्रभावशाली संप्रेषक बनाना है। संप्रेषक मतलब अपनी बात जो रख सके, तो अपनी बात रख सके। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि हमारे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि अलग अलग बोली और भाषा के लोग हैं, तो कोई भी बच्चा जो आ रहा है वो किसी भी भाषा में यदि अपने आप को व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, या अपनी कहानी सुना सकता है, या कुछ भी बातें अपने बारे में बता सकता है, या अपनी कोई मांग रख सकता है, तो वो प्रभावशाली संप्रेषक हो गया। मतलब अपनी बातों को रख पाना किसी भी भाषा में हो, चाहे वो उसकी मातृभाषा हो या कक्षा की भाषा हो या किताब की भाषा हो, जो भी भाषा हो उस पर वो अच्छे से अपनी बातों को रख सके। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना। इसका क्या अर्थ है कि बच्चा जो रहे वो उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं, आसपास की वस्तुओं की ध्वनि है, उनका रंग है, उसका आकार है, उसकी विशेषता है, उसको जान सके। रंग मतलब वही रंग जो अपन जानते हैं, लाल, हरा, पीला, इस पे वस्तुओं का वर्गीकरण कर सके। आकार मतलब पतला है, लंबा है, मोटा है, ऐसा। वस्तु की ध्वनि मतलब उसमें से मतलब वस्तु, यहाँ पर और भी बड़े व्यापक अर्थ में भी ले सकते हैं हम, कि मतलब अलग अलग किस्म की आवाजें जो आती है, जैसे चिड़ियों की आवाज हो गई, या फिर किसी पशु की आवाज हो गई, या फिर मनुष्यों की ही अलग अलग आवाज हो गई, तो इसको वो क्या कर सके, पहचान सके। या किसी चित्र को देख रहा है, या अपने आसपास कोई प्राकृतिक चीज, झरना मिल रहा है, नदी मिल रही है, या फिर कोई पगडंडी जंगल के बीच से गुजर रही है, तो इसके बारे में उसे पता रहे। उस बारे में यदि उसको किसी को बताना पड़े तो वो बता सके कि मैं पगडंडी से गुजरा, जो धूल भरी थी या रेत से भरी हुई थी, मेरे पैरों में रेत लग रही थी पीले रंग की, उसके चारों तरफ हरे हरे पेड़ थे, पेड़ पौधे इतने पास पास थे कि हम उससे गुजर रहे थे तो हमारे ऊपर टच हो रहा था और हमको छूते हुए, उनको छूते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये सब क्या है, उसके आसपास के परिवेश से जुड़ने की बातें हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर इस कोर्स को हमको बनाना है। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है, जैसे कि मतलब इसी को आगे उप घटक के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ कि क्या, जैसे जो हमारी दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज हमने डिसाइड की है, कुछ उनमें से ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि मदद करना, साझा करना, देखभाल करना, तो ये बच्चों के अंदर ये गुण आ जाए। बातचीत करना और सुनना, यानी संवाद और शब्दकोश का विकास, यदि बच्चे के पास अपनी भाषा या जिस भाषा में अपने आप को व्यक्त करना चाह रहा है उसका पर्याप्त शब्द भंडार है यदि, तो वो अपनी बातें बहुत अच्छे से रख पाएगा। तो ये बात उसके अंदर होना चाहिए। समझ के साथ पढ़ना, यानी कि किताबों से जुड़ाव होना चाहिए, प्रिंट जागरूकता, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और बात कर लेंगे। फिर प्रयोजन के साथ लेखन, ये भी वही है, आत्म अभिव्यक्ति के लिए लिखना, उसको अपने बारे में बताना आना चाहिए, या वो जिस भी किसी चीज के बारे में बताना चाह रहा है उसके, उसको वो कंप्लीट बता सके, तो ये हो जाता है प्रयोजन के साथ लेखन। ज्ञान इंद्रियों का विकास, यानी देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या चखकर उसको बताना आ सके कि जो मैंने देखा अभी, जैसे शाम का वक्त है तो चारों तरफ लालिमा है, या स्पर्श करके कुछ बता सके कि मैंने एक बिल्ली को छुआ, वो बिल्कुल नर्म थी स्पर्श करने में, तो इस प्रकार की चीजें वो बता सके। संज्ञानात्मक कौशल हम सभी जानते हैं, याद करने से वर्गीकरण, मिलान, नमूना, क्रम के अनुसार सोचना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, और बाकी मैं डिटेल नहीं लेती इसका, आगे भी है। संख्या बोध ज्ञान, संख्या की पहचान या क्रम का बोध, क्रम का बोध वही है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 23 के बाद 24 आएगा, तो ये सब उसे आ जाना चाहिए। इसी में हम आगे देखते हैं आप भाषाई दक्षताओं को बढ़ाने के तरीके।
इसमें पहला है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी मेरे पहले जो सर प्रेजेंट कर रहे थे वो बहुत अच्छी कहानी एक सुना रहे थे कि एक मुर्गी है और उसके दो चूजे हैं, और एक का नाम था लालू और एक का नाम था पीलू। तो ये कहानी बच्चों को सुनाइए और फिर उसके बाद उसमें पूछिए कि जो लालू है वो सिर्फ लाल रंग की चीजें खाता है, तो कौन कौन सी चीजें खाता होगा वो? तो उसमें बच्चे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि लाल लाल टमाटर खा सकता है, लाल मिर्च खा सकता है और लाल गाजर खा सकता है। इसी प्रकार पीलू जो है वो पीले पीले चीजें खा सकता है। पीले रंग की क्या होती है? दाल होती है। इस प्रकार की चीजें वो बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बातचीत करने उनको आएगा। फिर इसी में तुपंदी के शब्द भी आप बता सकते हैं। कैसे? नीलू पीलू, जो सर पूछ रहे थे कि अगला नाम क्या होगा, तो उसमें लालू था और पीलू था, तो अगला हो सकता है नीलू या कालू। इस प्रकार की अपन आगे बढ़ा सकते हैं। फिर पढ़ने की नींव जो है उसको दो पार्ट में बांटा है गया है, प्रिंट जागरूकता और ध्वन्यात्मक जागरूकता। तो प्रिंट जागरूकता क्या है? प्रिंट की पढ़ने की परंपरा होती है। मतलब बच्चे को आए चाहे ना आए, उसको पढ़ने का भले ही नाटक क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसको एक किताब दीजिए और किताब को उसको पढ़ने का तरीका बताइए कि देखो इसको खोल के ऐसे बैठ के पढ़ा जाता है, तो उसको इतना तो समझ में आएगा कि ये किताब के अंदर जो चित्र है या जो कुछ लिखा है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो ये इसको सिर्फ नाटक ही क्यों ना करे, लेकिन ये जो है उससे उसको पढ़ने के लिए उसमें प्रेम जगाएगी। फिर पुस्तकों और प्रिंट की अवधारणा, तो उसमें भी वो अभी नहीं पढ़ सकता लेकिन फिर भी उसका शीर्षक देखे, वो उसके अंदर के चित्रों को देखे, उसके लेखक का नाम यदि किसी तरीके से जान पाता है वो, और उसका कवर कैसा है, मुख पृष्ठ कैसा है, अंतिम का पृष्ठ कैसा है, ये वो यदि देख पाता है तो भी क्या होता है, उसके अंदर छपी हुई कुछ सामग्री को पढ़ने के लिए उसके अंदर जागरूकता आती है और किताब के साथ उसका एक लगाव बढ़ता है। फिर ध्वन्यात्मक जागरूकता, इसको मैं पहले भी अभी थोड़ा बोल रही थी, शब्दों और सिलेबल्स मतलब उच्चारण उसके बारे में वो जाने। और फिर तुकबंदी, तुकबंदी में तुकबंदी वाले शब्द है, जैसे मकड़ी लकड़ी ककड़ी, ऐसा अपन ले सकते हैं। सम्मिश्रण और विभाजन मतलब कि दो कहना चाहिए अक्षरों का या ध्वनि का, सॉरी दो ध्वनियों का सम्मिश्रण मिलाना, जैसे एक ध्वनि है खा एक ध्वनि है ना, और इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हो जाता है खाना। ये हो गया सम्मिश्रण। इसी प्रकार इनको अलग करें तो वो उसका हो जाएगा विभाजन। फिर आरंभ मध्य अंत ध्वनियों की पहचान, तो मतलब जैसे कि आपके पास शब्द है कोई, ले लेते हैं जैसे बूंद, तो इसमें क्या आ जाएगा, इससे शुरू का आरंभ का उदाहरण ले ले रहे हैं इसमें, तो जैसे बूंद है तो इसके आरंभ की ध्वनि क्या हुई, ब में उ की मात्रा बू, तो इससे शुरू होने वाले शब्द, तो उसमें अपन क्या क्या ले सकते हैं, बूढ़ा और बुमरेंग या बुरा, इस प्रकार से हम इन शब्दों को ले सकते हैं। फिर ध्वनियों और सिलेबस में हेर फेर करना, तो इसमें क्या, जैसे कि एक शब्द है ऊपर, तो उसमें ऊ को यदि हम हटा दें, उसमें हटा दे रहे हैं, हेर फेर करना है उसको हटा दिए, तो क्या बचा हमारे पास, पर। तो दो अक्षर वाले ऐसे शब्द क्या आ जाएंगे, जल कल थल फल, तो ये हो जाता है ध्वन्यात्मक जागरूकता जो बच्चे के अंदर अपन को पैदा करना है। इस प्रकार के शब्दों से उसको क्या लगता है कि हर शब्द जो है कुछ मिलता जुलता भी होता है उच्चारण करने के लिए, अन्यथा हम यदि एक वाक्य बोलते हैं तो उसमें समान उच्चारण वाले बहुत कम शब्द होते हैं, तो बच्चे के लिए वो पूरा नया 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 ही जाता है एक वाक्य, लेकिन यदि तुकबंदी के साथ उसे बताया जाए या तुकबंदी भी बताई जाए तो उसे कुछ फैमिलियर लगता है, कुछ जाना पहचाना सा, और कुछ जाना पहचाना लगे तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि ये कुछ सही है, इतना मैं जानता हूँ, इसके साथ में आगे बढ़ सकता हूँ।
इसी को ही ध्वनि प्रतीक संघ और शब्द पहचान कहा गया है, मतलब ढेर सारे एक जैसे शब्द जैसे कैट रैट बैट इस टाइप का। फिर समझ के साथ पढ़ना है, ये हम सब जानते हैं कि बच्चा उसको समझ गया तो वही समझ के साथ पढ़ना है। प्रयोजन के साथ लिखना, तो इसमें क्या है कि यदि वो उसे बोला जाए कि अपना चित्र बनाओ या अपनी माता का चित्र बनाओ या पिता का, तो वो अपने तरीके से बनाएगा चित्र, लेकिन वो एक चित्र जरूर बनाएगा और उसको बोलेगा ये मेरी माँ है। तो ये उसका एक प्रयोजन के साथ लेखन या चित्रण कह सकते हैं हम, कि उसका कुछ एक उद्देश्य रहता है। तो ये है भाषाई दक्षताओं को बढ़ावा देने के तरीके। अब इसके बाद इसका जब आप पूरा कार्यक्रम बना रहे, हमने उद्देश्य देख लिया, उसका प्रारूप देख लिया, अब उसके बाद जब उसका हम योजना बना रहे हैं, किसकी योजना बना रहे हैं हम, कोर्स की, कौन से कोर्स की, विद्या प्रवेश कोर्स की। तो इस कार्यक्रम की योजना बनाते समय देखिए, हमने उद्देश्य पे बात किया, लक्ष्य पे बात किया, प्रारूप पे, अवधि और सीखने की प्रक्रिया, सीखने के प्रतिफल, ये सबको ध्यान में, जो प्रमुख बिंदु है इनको ध्यान में रखते हुए उसको बनाना है। अवधि पे मैं चर्चा नहीं की, लेकिन अवधि जो है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार से ली जाएगी, किस प्रकार से आप कहाँ पर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको आप उसके अनुसार रख सकते हैं। लेकिन अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि डे वाइज वीकली शेड्यूल होना चाहिए। तो डे वाइज मतलब हर दिन का आपके पास कार्यक्रम हो, एक हफ्ते का है ना, हफ्ते हफ्ते का कार्यक्रम हो, लेकिन वो डे वाइज बनाओ, प्रतिदिन के लिए आप उसमें क्या कर रहे हैं। और उसके शेड्यूल को भी आपको कहीं पर डिस्प्ले में डाल देना चाहिए, कक्षा के बाहर या कहीं भी जहां आपका सुविधाजनक हो, ताकि उसे सब देख सके और आपको खुद भी पता रहे कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है या इस हफ्ते के 4-5 दिन क्या होने वाला है, हर दिन प्रतिदिन, तो उसके अनुसार आप क्या कर लेंगे, आवश्यक शिक्षण सामग्री भी जुटा लेंगे। तो ये इस प्रकार कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान रखने की बातें थी। और फिर है कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध और संख्यात्मक समृद्ध वातावरण बनाना। साथियों, ये वही प्रिंट समृद्ध वातावरण है जिससे हम पहले से परिचित हैं। इसमें कुछ बातें बस नई हैं क्या, जैसे कि कक्षा के चारों ओर आपको वस्तुओं को भी अंकित करना है जो उसके जीवन, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, जैसे कि बुक रैक हो गया, पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड उसका रहे एक कक्षा में, जूता रैक यदि शू उतारा जा रहा है तो, अन्यथा इसके आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वॉश बेसिन वगैरह की व्यवस्था यदि हो सकती तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उसे हाथ धोना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा ना हो कि पूरे स्कूल के सारे बच्चे एक जगह लाइन लगा के खड़े हों, वहां पानी में गीला होने की बात हो, तो इसकी व्यवस्था यदि हो सकती है तो जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सब दीवार पर संभव हो तो सारे नंबर भी वहां पर प्रदर्शित होने चाहिए। एक वर्ड वॉल बनाने की बात भी इसमें कही गई है। वर्ड वॉल में क्या है, सामान्य शब्द तो रहेंगे, उसके साथ साथ तुतबंदी वाले शब्द और जो कुछ नए शब्द आ रहे हैं यदि बच्चे की दृष्टि से, उस आयु वर्ग की दृष्टि से, तो उसको भी उस वर्ड वॉल में जगह दे दें। फिर उसके बाद पुस्तकालय एक जरूर रहे, या पढ़ने का कोना जिसमें वो खुद से अपने दोस्तों के साथ ले सके या अपने से ले सके। फिर उसके बाद लेखन क्षेत्र में विभिन्न लेखन सामग्री रहे और वहां पर उसको कुछ क्रिएशन का भी मौका मिले, मतलब वो चित्र बना सके वहां पर, वहां कुछ उसको पसंद है तो वो उसमें लिख सके, या कुछ चीजें उसको लेकर उसमें से काटना है और चिपकाना है कहीं पर, या कुछ अपना सृजन करना चाह रहा है, अपनी कोई बुक बनाना चाह रहा है तो वहां पर वो बना सके। इसी प्रकार गणित के लिए भी उसका कोना जरूर हो जहां पर उसके पास ढेर सारे ब्लॉक हो और उन ब्लॉक से वो कुछ बना सके और कुछ फिर से उसमें से तोड़फोड़ करके फिर बना सके। और उसके बाद आड़ी तिरछी लकीरों का उसके पास खजाना होना चाहिए जो खिलौनों के रूप में रहे, जिससे वो गणित के विभिन्न आकारों को बना सके, या कुछ मापना है उसे तो उसको माप सके। और फिर उसके बाद एक और कोना भी ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीजों को प्रदर्शित कर सके, उन्होंने कुछ लिखा है, कोई चित्र बनाया है, या गणित में कुछ जोड़ तोड़ के कुछ आकृति बनाई है, तो वो सब उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। फिर विषय से संबंधित
चैट पोस्टर, अक्षर, समूह, कविताएं, तुकबंदी, ये तो आप लेंगे ही जो किस में होना चाहिए, पहले से ही जो प्रिंट रिच वाले में हम कर चुके हैं वो वाला है ना। तो ये कुछ बातें हो गई इस कोर्स के बारे में। इसमें लास्ट में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है छात्र की प्रगति, कि जो बच्चा है उसकी प्रगति को आपको चेक करना है और उसके बाद उसी के आधार पर आपको उसका प्रगति पत्रक बनाना है। मैं इसको यहाँ अलग से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये हर शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसको बच्चे की उन्नति को या उसकी प्रगति को प्रदर्शित करेगा और इसको कितने बार लेगा, हर दिन लेगा, हर दिन में कितने बार लेगा, सप्ताह में लेगा या महीने में लेगा, या किस प्रकार से वो लिख के लेगा, मौखिक लेगा, और उसका कैसे रिकॉर्ड बनाएगा, ये सब पूर्णतः शिक्षक के ऊपर है कि वो सारे तरीकों से भी कर सकता है। और एक शब्द आता है एनेक्टोडल रिकॉर्ड, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वित्रांत अभिलेख। मैं हर बच्चे का तैयार कर सकता है शिक्षक, कि मतलब एक बच्चा उसकी कक्षा में जब प्रवेश लिया तब उसको कौन कौन सी चीजें आती थी, वो क्या क्या जानता था, और फिर डे बाय डे उसने क्या क्या सीखा, वीक बाय वीक क्या सीखा, मंथ बाय मंथ क्या सीखा, इसको वो लिखते जाएगा तो वो उसका वृत्तांत अभिलेख हो जाएगा, यानी कि एनेक्टोडल रिकॉर्ड, जिससे वो कभी भी चाहे तो प्रगति पत्रक किसी का भी तैयार कर सकता है। तो ये हमारे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका। तो इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना बिल्कुल जोश से हाथ बटाएंगे ताकि हमारे जो नौनिहाल हैं उनको हम अपने देश के अनुरूप ढाल सकें। आज बस इतना ही, नमस्कार।